सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। गुस्से में कभी गलत मत बोलना, मूड तो ठीक हो जाता है पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। परिस्थितियां जितनी भी ज्यादा आपको तोड़ती है उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती है। जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं है, पर जो भी रिश्ते हो उनमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है, और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरा किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पढ़ने के लिए पूरी किताब कभी मत खोना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे साबित करना ही काबिलियत है। दोस्तों, जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर तो देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखें। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह होनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं वो ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। पढ़ो, लिखो, लड़ो, हंसो, रो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के जमाने में किसी को ये महसूस मत होने देना कि तुम अंदर से टूट गए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान के ईंट उठाकर ले जाते हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। रास्ते कभी बंद नहीं होते, अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी की दुआ कमाते हैं तो धन के साथ सेहत और प्यार भी आता है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में ना किसी के नजरों में। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती, अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदि हो चुके हैं। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होना चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कोई कुछ अच्छा कर रहा होता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है, एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, वह चाहे समय हो या फिर इंसान। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बददुआ। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता कर्म से नहीं साहस से मिलती है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई तो है, उसका एहसान बनिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें, ना किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। दोस्तों, रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, सम्मुख कहो, जो अपना होगा वो समझेगा, जो पराया होगा वो छूटेगा। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान नहीं करते, परंतु हम कब किसमें क्या देखते हैं ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है।
कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां से किससे मिलना है सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। नियत साफ और मकसद सही हो, यकीनन किसी ना किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद करते हैं। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। कभी भी किसी पर आंख बंद कर भरोसा ना करें, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बददुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वो लौट कर आएगा, फिर चाहे वो इज्जत हो या धोखा। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझ कर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट सीधी बात करता है उसकी वाणित्य एवं कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करता है, बंधन खुल जाने पे झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बने रहिए, क्योंकि अनेकता में एकता होती है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता आपको पार करना पड़ेगा। जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। अपना खुद तारीफ कर लिया करो दोस्तों, क्योंकि बुराई करने के लिए पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस पर डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वो रखा है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरे को तौलते हो कभी उस पर खुद बैठ कर देखना। जलो वहां जहां जरूरत है, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। समय वो है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं और जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। पतझर में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तब सबसे पहले वो अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का। मेरे दोस्त इसे खोना नहीं है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। तूफान भी आना जरूरी है जिंदगी में, तब जाकर पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर चलता है। दिल लगाने से अच्छा है पौधा लगाएं, वो घाव नहीं देंगे, वो कम से कम छांव तो देंगे। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती दोस्तों, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। इंसान की समझ बस इतनी है, जब उसे जानवर कहा जाए तो वो नाराज हो जाता है और जब उसे शेर कहा जाए तो खुश हो जाता है। जो सबकी घड़ी में बज रहा है बस वो सबके हिस्से का समय नहीं है। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। ज्ञान स्वयं में एक वरदान है, इंसान तो केवल उसका आविष्कार करता है। किसी भी चीज का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना, तुमसे बेहतरीन लोग वहां राख बने पड़े हैं। झूठे व्यक्ति की आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, परंतु सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे इंसान की जड़ें हिला देता है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, अच्छे शब्द इंसान को बादशाह बनाते हैं। झुकना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह नम्रता की पहचान है, पर याद रखना आत्म सम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। औरत शायद मोहब्बत करने वालों को भूल जाए, मगर इज्जत देने वाले को कभी नहीं भूलती। मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग, हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए।
लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। वक्त बदलने के लिए वक्त के साथ खुद को बदलना ही जिंदगी है।